तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। ये एक ऐसी ज़बरदस्त हदीस है जिसमें हमें अपने आप को परखने का मौका दिया गया है। अगरचा ये बराह रास्त खिताब तो मर्दों से है कि वो मर्द जो सबसे अच्छा मर्द है वो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल देते हुए फरमाया, और मैं तुम्हारे में से सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों के लिए, और तुम सब की निस्बत मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। आम तौर पर ये बात अच्छे इंसान को उसके अखलाक और मामलात से पहचाना जाता है कि उसकी गुफ्तगू कैसी है, मिल मिलाप का तरीका कार कैसा है, बोलने का तरीका क्या है, वो खुशी में कैसे रिएक्ट करता है और गम में कैसे रिएक्ट करता है, आम तौर पर वो मुख्तलिफ मामलात पर कैसे बिहेव करता है। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारा सबसे ज़्यादा वास्ता अपने घर वालों से पड़ता है और हम दिन रात उनके सामने होते हैं, तो हम प्रिटेंड नहीं कर सकते कि उनके सामने कुछ और नहीं बन के दिखाया जा सकता। हम वही होते हैं जो असल में होते हैं घर वालों के सामने भी। एक लंबा अरसा उनके साथ गुजरता है तो वो हमारी अच्छाइयों और बुराइयों से वाकिफ़ हो जाते हैं, हमारी कमज़ोरियों से, हमारी स्ट्रेंथ से भी वाकिफ़ हो जाते हैं। इसीलिए कि अच्छाई का मेयार रहना अच्छा खासा कड़ा काम है।